आईपीएल की शुरुआत हुए अभी तक एक पूरा दिन नहीं बीता और क्रिकेट फैंस को लग गया एक तगड़ा झटका। जी हां, आईपीएल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक घुटने की चोट के कारण केन विलियमसन इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। जी हां, एक मीडिया चैनल के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि कीवी यानी केन विलियमसन का इस आईपीएल का सफर यहीं तक था, इस सीजन में वो आगे खेलते नजर नहीं आएंगे। आपको बता दें कि इस शुक्रवार यानी 31 मार्च को मैदान पर जीटी के लिए टूर्नामेंट का पहला मैच खेलते समय न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने जब शॉट लगाया तो ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री पर छक्के के पार निकल जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश किया। केन विलियमसन ने छक्का लगाने से तो बचा लिया, लेकिन वो चौका नहीं रोक सके। हालांकि इस दौरान केन विलियमसन चोटिल जरूर हो गए, इसके बाद उन्होंने मैदान पर भी इसके बाद देखा गया था कि उन्होंने मैदान भी छोड़ दिया था। फिलहाल ये जो खबर है वो रिपोर्ट्स के बेसिस पर है, कुछ ही समय में हो सकता है कि इसके पुख्ता होने की जानकारी भी मिल जाए। जो भी होगा उसका लेटेस्ट अपडेट हम आपके पास टाइम टू टाइम लेकर आएंगे, इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर सच में एक बात बताइए कि अगर सच में केन विलियमसन इस बार के आईपीएल से बाहर हो गए तो जीटी को कितना बड़ा घाटा होगा भी या नहीं, कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताएं। साथ ही साथ अरे भाई, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।